प्रॉपर्टी डीलर है चौंका चंगड़। उन्हें साडे कोल धोखे नाल जगह सानू दे के पैसे साडे कोल हड़पदा रहा है। साडे कोल जगह तो वध पैसे लै लैने, अपनी कार तो भी वध लै लैने, बाकी साडी इन्नी पसली नहीं सी हैगी। जिची दे पैसे भी लै लैने साडे कोल। हुण धोखा करदा है, सानू धमकांदा है, डरांदा है, कहिंदा कि तुसीं हुण जगह खाली करो। गरीब बंदे आ, मस्कीन हैगे सी, सानू अनपढ़ हैगे आ, सानू किसे गल्लां दा पता नहीं हैगा। सानू यही पता कि असीं कमाउणा ते बच्चिआं नूं पालना हैगा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर बट्टी और आप देख रहे हैं एन ए न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं फरोदवाला के इलाका थाना फैक्ट्री एरिया कोर्ट अब्दुल मालिक चौकी। यहां पर आपको बताते चले कि थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में चोर डाकू पहले से ही अरूज पर थे, लेकिन अब कब्जा माफिया नौसरबाज ठग भी बाहर निकल आया। अभी मजीद मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनकी जगह पर कब्जा हुआ है। इनसे मजीद जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, कब्जा माफिया, और कब से कब्जा हुआ है। मेरे भैये दसी कि तेरी जगह पे केड़े बंदियां ने कब्जा किया, कदों का किया? सजा टाउन पोलका चौंक न्यू खाखी इतने असी जगह लीए, खाली पहली बनना सी जो असी जगह लीए सस्ती वेख के। प्रॉपर्टी डीलर है चौंका चंगड़। उन्हें साडे कोल धोखे नाल जगह सानू दे के पैसे साडे कोल हड़पदा रहा है। साडे कोल जगह तो वध पैसे लै लैने, अपनी कार तो भी वध लै लैने, बाकी साडी इन्नी पसली नहीं सी हैगी। जिची दे पैसे भी लै लैने साडे कोल। हुण धोखा करदा है, सानू धमकांदा है, डरांदा है, कहिंदा कि तुसीं हुण जगह खाली करो, तुहाडे कारे ते तुसीं नहीं पूरे होए आ, मैनूं जिचियां जैली दे। हाले तक पैसे पूरे नहीं दिते उन्हूं? मैं क्लीयर देते हुए ने, मैं 1,95,000 रुपया बनता ही, मैं उन्हूं 3,00,000 रुपया जगह का दे चुका। तो अजाफी पैसे कद दे? अजाफी पैसे मैनूं कहिंदे जगह के रेट वधे गए हैं, तो मैनूं तू टैक्स पा के जगह के पैसे पूरे करके दे। वो कह रहा था कि जगह के रेट ज़्यादा हो गए, मुझे वो पैसे साडे कोल वध लै लैंदा सी। असी गरीब बंदे आ, मस्कीन हैगे सी, सानू अनपढ़ हैगे आ, सानू किसे गल्लां दा पता नहीं हैगा। सानू यही पता कि असी कमाउणा ते बच्चिआं नूं पालना हैगा है। ते इहनां चक्करां विच असी कदी वड़े नहीं सी जिहड़ा हुण साडे नाल धोखे करदा पिआ। ते असी आ थाने कचहरीआं पैसे पूरे देते, पैसे पूरे देते ने, रजिस्ट्री नहीं मिली। रजिस्ट्री दे मैं डबल पैसे दे मेरे कोल इहनां लै लैने, तिन्नां रजिस्ट्रियां दे पैसे लै लैने। पैसे लै लए इहने 3,00,000 रुपया जगह दा लिया है, ते 1,50,000 रुपया जी। कोई जगह तुसीं खरीदी सी कि शौकत प्रॉपर्टी डीलर ने? शौकी प्रॉपर्टी डीलर ने लिया साडे कोल। असी मालिक नूं नहीं सी जानदे, असी डीलर नूं जानदे। डीलर ने कहा ही मैं खुद मालिक हैगा ते मैं तुहानूं जगह दी रजिस्ट्रियां। मैं मत्थे ही नहीं लगा जी, शौकत ने लगन ही नहीं दित्ता। शौके ने लगन ही नहीं दित्ता मत्थे। इह कहिंदा जी मैं मालिक हैगा, मैं डीलर हैगा, जगह मेरी है, ते मैं तुहानूं खुद देवांगा रजिस्ट्रियां बनवा के। हुण सानूं ना मालिक दे मत्थे लाउंदा ते ना सानूं रजिस्ट्रियां दिंदा। रजिस्ट्रियां लिखवा दिंदा है, लिखवा के थोड़ी देर बाद महीने दो बाद कहिंदा मालिक मर गया है, तो उन्हें बयान नहीं होंगे, तो नवी जीसी तैयार करनी है। नवी जीसी तैयार करने के बावजूद साढ़े को रकम लै लेंदा है। तो बाकी हम पैसे दे दे के असं थक गए, मैं हूँ बच्चे पाला जैसे छोके के ढिड पूरे करा, यदिया जेबिया नहीं पूरी होता। हूँ सानू डरा धमका, मेरी बीबी घर कली सी, 4-5 बंदे घलदा है, डरा धमका के घर बीबी मेरी कली दे हथों पाई हुए ने, जबरदस्ती की ने, घर तोड़ भन के गए ने। मैं जिनी देर नू आया इन्हें मैनू मारन दियां धमकियां दित्तियां ने। मैनू कहिंदा तैनू असीं मार देंगे, तेरियां लत्तां तोड़ देंगे। शौकत ने तैनू मारन दियां धमकियां? हाँ जी, शौकत ने दित्तियां सानू। खुद आण के मैनू, मैं जदों फोन करदा मेरा फोन नहीं चुकदा, अगर जो मैं फोन करा तो अगर धमकियां ला दिंदा, तू खबरदार मैनू फोन ना कर, तेरा मेरा कोई लैन देन नहीं हैगा, मैं तेरे को जगह खाली करवा लेवांगा। जो सारा वकुबा हो गया, तुसीं थाने नहीं आए? किसी अफसर नूं दस्या नहीं कि साडे नाल मामला चलदा पिया, साडी हैल्प करो? थाने असीं आए सी, असीं बहरहाल दरखास्त भी दित्ती सी, साडी दरखास्त अमल नहीं किया गया। असी DPO जाके केस लड़िया, उत्थे जाके DPO साइन करवा के इत्थे दरखास्त आई है साडी, उन्होंने भी साडे ते नजायज DPO जाके दरखास्त दित्ती है। साडी दरखास्त इन्होंने थले रख ली, उन्होंने दरखास्त अमल करके सानू पुलिस वाले भी धमकियां लाते रहे ने, फोन करते रहे ने, तुसीं इत्थे आओ सानू मौका दिखाओ, इंज साडे मेरा मौका देख देने सी। उन्होंने पैसे चार दिते ने, उन्होंने गल्लां करके मैनू धमकाया गया है, तो मैं डरा के मेरे को सुलह के नाल कहिंदे सी सुलह कर ला, तैनू असीं जीसी लै देंगे। बराल मत कहिंदा सी? हाँ जी, शौकत कहिंदा सी ते ए सुलह कर ला, मैं तैनू जीसी लै देंगे। बंदे घल के अपने ते उल्टा परचा करवा के, तो मैनू कहिंदा जी इन्होंने मेरे ते परचा किया, मेरा नाम बाहर कढ़वा, मैं तैनू मीन जगह की जीसी करा देंगे, तू मालिक हैगा जगह का। हुण मैं उहदा सुलह उहदी मन के कर ली, अंगूठे धमके लवा के, तो हुण फिर मैनू कहिंदा मैं तो आजाद हो गया, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता हैगा, मेरा ना पुलिस कर सकती कुछ, ना कोई थाना कचहरियां कर सकता हैगा, मैं इत्थे बैठा हैगा जिन्हें कुछ मेरा करने ते आण के मैनू। पुलिस तुहानू की कहिंदी? पुलिस मेरी कुछ नहीं सुनदी। आला हुकाम अगे कोई अपील करना चाहे, अपनी फरियाद सुनाना? हाँ जी, मेरी फरियाद यही है कि वज़ीरे आलम जिक्र कि मेरी कोई मदद की जाए, इहो जिहा माफिया नू सजा दित्ती जाए। मेरे कोल इन्नी पसली नहीं हैगी जिहड़ा मैं होर कोई खर्चा कर सकां।
मैं रक्षा डलाइवर हाँ, जिनी कि मेरे को दिहाड़ी कमाई जाती मैं अपने बच्चे ही पाल सकता, मैं पुलिस थाने नहीं भज सकता। नाजरीन आपने अमीन की बात सुनी जिसकी जगह पर कब्जा हो गया, आप मेरे साथ उसकी अहलिया भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अमीन का कहना है कि मैं घर नहीं था, रक्षा चलाने गया हुआ था, लेकिन शौकत कुछ अफराद लेकर मेरे घर में आया और मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की, मेरे घर का नुकसान किया। अमीन की बीवी भी साथ है, उससे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरी बहन मुझे ये बताओ कि शौकत आया था या कितने लोग साथ लेकर आया था, आपके घर में आया था? शौकत 8-7 बंदे लेके आए सी, रात दे 10 बजे सी, मेरा बंदा घर नहीं सी है, उस वजह से ना मेरे आगे घर हमला किया, मैं क्या मेरा बंदा घर नहीं है। शौकत आया सी ताड़े? शौकत नाल बंदे सी, 7-8 बंदे लेके आए, घर आके उन्हें फिर जबरदस्ती की, मारकुट की, फिर मैं अपने बंदे बुलाया है, फिर उन्हें नाल भी मारकुट की है। मेरा बकूवा पेश आया, तुसी 15 ते कॉल नहीं की भाई की, उन्होंने अमल नहीं किया, उन्हें वापस नहीं, सानू वापस आग जवाब ही नहीं दिता, ना आए, उसने कॉल भी नहीं की, तेरे को पहुंचे भी नहीं? नहीं पहुंचे, असी फोन 2-3 बार किया, नहीं आए, इस वजह तो असं दरखास्त इतने भी दी सी, इतने भी नहीं अमल होया, साढ़े दरवाजा भी तोड़ के गया घर, हमला भी मेरे कपड़े भी पाड़ के गए ने घर, उस बाद हम फिर सू कटते ने इतों कहते निकलो, असं हमला किसी होर कब्जा, असं कब्जेशुदा बैठे ने, असं पैसे भी तार दिते तो फिर भी सू बहर कड़ दें, पैसे पूरे देते? हाँ जी भाई, सारे पैसे देते, असं बच्चिया के मूह चो कट कट के उन्होंने पैसे देंदे रहे, कह लो तू सा जगह बन जाए, हर आए दिन आख दिता अन्ने 50,000 दो, 20,000 दो, असं पता नहीं कितों कितों करके उन्होंने पैसे देंदे से, अज सू कहें इतों निकलो, कब्जा सी तो होर किसी देना है। सारे वकूफे च मेरी भैन एक गल दसना कि पुलिस ने ता कोई साथ नहीं दिता, कोई गल ही नहीं सुनी ताड़ी? कोई साथ नहीं दिता पुलिस ने, असी जेवर वेच वेच के चौंके ने पैसे दिते ने, पुलिस ने भी नहीं सुनी, पुलिस उन्हें उहदे नाल दी हो गया तो मेरे बंदे को फिर अंगूठे धक्के ना लवा लेने, तो मुड़ के हुण पता नहीं की लिख दिता उन्होंने, उन्होंने धमकी ला दी सानू, जिस रीत कहिंदे तुहानू दांगा उस तो बाद हुण उन्हां दा साथ ओह दे दिया, क्योंकि पैसे उन्हां कोल लै ने ना, रिश्वत खो रहे जिहड़ा, हाँ साढ़े इंसाफ चाहिए बस। हूँ मेरी भैन आला अफसरान के अगे की अपील करना चाहेंगी, अपनी फरियाद सुनाने वास्ते की कहना चाहेंगी? ये बस कि सू इंसाफ मिले, अभी कब्जे शुदा वा, सू जगह जगह मिलनी चाहिए, सू जस्टिस मिलनी चाहिए बस, असि गरीब बंदे हाँ, असं पुलिस नहीं नस सकते, असं तो थोड़े अगर फरियाद की, इंसाफ चाहिए है। नाजरीन आपने मुतासरा फैमिली की बात सुनी, पहले यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता कि ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की इज्जत है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की इज्जत है, हमारे दारे आप देख सकते हैं कि पुलिस है, ये चौकी है जिसके बाहर हम खड़े हैं। इन लोगों का कहना है कि जब ये वकूफा पेश आया, शौकत कुछ साथी अपने लेकर हमारे घर पर हमला किया, हमने 15 पर कॉल की, पुलिस तो कॉल तो किया लेकिन पुलिस का कोई एक जवान भी नहीं पहुंचा, आप ये तकरीबन 10 से 15 दिन के पुलिस के धक्के खाने पर मजबूर हैं, हाँ ये हमारा कानून है और ये हमारा कानून इस तरह से इंसाफ दे रहा है, ये हमारी इज्जतें, हमारी मुल्क की इज्जतें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारा कानून कब तक ऐसे ही लोगों को जलील करता रहेगा? ये थाना फरोद वाला की हदूद थाना फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, खुदा के लिए DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार साहब थानों में तवज्जो दें, कब तक हमारी इज्जतें ऐसे ही लोग जलीलो ख्वार करते रहेंगे, कब तक ऐसी माएँ बहनें हमारी बाहर लोगों के आगे फरियादें करती रहेंगी, कानून किस लिए बनाया गया है? इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NA News। अल्लाह हाफिज़।